आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया गिड्डू रुद्र राजू राज्य में मतदाताओं से जुड़ने के लिए कांग्रेस के एक बड़े कार्यक्रम की अगुवाई करने ही वाले थे, लेकिन पिछले हफ्ते अचानक उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया। इसके बाद ही ये तय माना जा रहा था कि कांग्रेस हाल ही में पार्टी में शामिल हुई वाईएस शर्मिला को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है, और मंगलवार को शर्मिला ने राज्य में कांग्रेस की कमान संभाल ली। शर्मिला आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी और मौजूदा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस में विलय की घोषणा की थी। पिछले दिनों ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। शर्मिला ने कहा था कि उनके पिता का सपना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखने का था और अब वो इस सपने को पूरा करेंगी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी यहां से आगे अब कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं है। ये मुझे काफी खुशी देने वाला कदम है। कांग्रेस पार्टी आज भी देश की सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत की सही संस्कृति को आगे रखा है। कांग्रेस ने हमारे देश की नींव का निर्माण किया है। कांग्रेस ने सभी समुदायों की सेवा की है, जनता के सभी वर्गों को एकजुट किया है। अब आंध्र प्रदेश में सत्ता के लिए भाई बहन आमने सामने होंगे। शर्मिला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजनीति का जाना माना चेहरा हैं। उनके पति अनिल कुमार कारोबारी होने के साथ साथ एक ईसाई धर्म प्रचारक भी हैं। शर्मिला ने अपनी पार्टी बनाकर तेलंगाना में राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए पदयात्राएं निकाली थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार खड़े नहीं किए और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन की घोषणा कर दी। दरअसल जगनमोहन रेड्डी ने साल 2011 में कांग्रेस से अलग होकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाई थी। पार्टी की कमान जगन के हाथ में थी, जबकि बहन नेशनल कन्वीनर का काम संभाल रही थीं। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ माहौल तैयार करने का काम भी शर्मिला ने ही बखूबी निभाया। भाई जगनमोहन रेड्डी को सत्ता दिलाने में शर्मिला ने काफी मेहनत की। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में शर्मिला ने भाई के लिए जोरदार प्रचार किया, लेकिन जगनमोहन रेड्डी के मुख्यमंत्री बनते ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। जुलाई 2021 में शर्मिला ने जगन से अपने रास्ते अलग कर लिए, वाईएसआर कांग्रेस छोड़ दी और अपनी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी बना ली। माना जा रहा है कि शर्मिला के कांग्रेस में आने से उनके पिता के समर्थकों का वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो सकता है। शर्मिला के काम करने का तरीका भी अपने पिता से ही मिलता जुलता है। उन्होंने राजनीति के दांव पेच अपने पिता से ही सीखे हैं। नतीजतन कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मदद मिल सकती है। हालांकि फिलहाल आंध्र प्रदेश में वाईएस राजशेखर रेड्डी की विरासत पर उनके बेटे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी का ही अधिकार माना जाता है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि शर्मिला के जरिए प्रदेश में अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार की जाए। शर्मिला ऐसे समय कांग्रेस में शामिल हुई हैं जब चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना ने वाईएसआर कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए हाथ मिलाया है। माना जा रहा है कि शर्मिला के कांग्रेस में विलय के साथ प्रदेश में इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव भी दिलचस्प हो जाएगा। चुनाव आज तक।